एनआईटी हमीरपुर के पूर्व डायरेक्टर विनोद यादव के टर्मिनेशन के बाद सरकार द्वारा 3 महीने की सैलरी दिए जाने के मामले पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने सवाल खड़े किए हैं। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं पर दोषी पाए जाने के बाद पूर्व डायरेक्टर को सैलरी सहित टर्मिनेट करना न्याय उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच करवा के सरकार आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज करे। हमीरपुर एनआईटी में पिछले 2 सालों से तैनात डायरेक्टर विनोद यादव के ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के अलावा भर्ती में किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार के द्वारा बिठाई गई टीम ने प्रथम दृष्टि में दोषी करार देते हुए विनोद यादव को 3 महीने की सैलरी के साथ टर्मिनेट किया है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विधायक राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर घोटाले करने वाले को पैसे देकर अपना पीछा छुड़ा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत को लूटने वाले लोगों को श्रेय देकर रखी है और कई लोग देश से पैसा लेकर विदेशों में चले गए हैं। इसी तरह हमीरपुर एनआईटी में भी डायरेक्टर के साथ भी सरकार ने 3 माह की सैलरी के साथ विदा किया है कि 3 महीने की सैलरी देके उनको घर भेज दिया गया। मुझे लगता है कि ये कैसी सरकार है। इस सरकार ने हिंदुस्तान को लूटने वाले जो लोग थे, चाहे विजय माल्या था, चाहे नीरव मोदी था, ऐसे बहुत सारे अनेकों लोग हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिया, भारी मात्रा में लोन लिया, और आम आदमी हिंदुस्तान के जो नागरिक थे जिनका पैसा जो है बैंकों में जमा था, उस पैसे को लेकर जो है विदेशों में चले गए। सरकार ने उन पर कोई रोक नहीं लगाई, सरकार ने उनको कोई उन पर पाबंदी नहीं लगाई। और यहाँ एनआईटी वाला भी सेम विषय हुआ है। बड़ी हैरानी हो रही है, आम आदमी में चर्चा का विषय है कि अगर डायरेक्टर जो है उसकी सर्विसेज जो है डिसमिस की गई हैं और ये पाया गया है इंक्वायरी में कि यहाँ पर इरेगुलरिटीज हुई हैं, पैसे में जो है वो गड़बड़ियाँ हुई हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के मामले सामने आए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को 3 महीने की सैलरी दे के घर भेजा जा रहा है। जबकि सरकार को चाहिए था कि सरकार मान रही है कि इस एनआईटी में धांधलियां हुई हैं और डायरेक्टर इसके लिए जिम्मेवार है, तो सरकार को 3 महीने की सैलरी देने की बजाय इनके विरुद्ध जो है जो धाराएं आईपीसी की बनती है उनके इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, और मुकदमा दर्ज होने के बाद इनको हवालात में भेजना चाहिए था। ये तो सरकार उल्टा इनको पैसा दे के घर भेज रही है। जैसे हिंदुस्तान को लूटने वाले लोग विदेशों में चले गए, वैसे ही मामला। मैं सीधे तौर पर सरकार से मांग कर रहा हूँ कि अगर इस व्यक्ति ने गलत काम किए हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज करी हैं, धांधलियाँ करी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो सलाखों के पीछे भेजिए और इसकी जो एफआईआर दर्ज करिए। एनआईटी डायरेक्टर के खिलाफ विधायक राजेंद्र राणा ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि इस मामले को सीबीआई के पास सौंपना चाहिए और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 महीने की सैलरी देकर विदाई देना भी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले पर जनता में भी गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि पूर्व डायरेक्टर की कारगुजारी के कारण ही हमीरपुर एनआईटी की साख पर धब्बा लगा है और रैंकिंग में गिरकर 98 पहुंच गई है। मैंने इस मामले को जो है वो सीबीआई को भी मैंने लिखकर भेजा हुआ है, और चाहिए ये था कि केंद्र सरकार जो है, चाहे एचआरडी मिनिस्ट्री है, चाहे पीएम ऑफिस है, अगर ये पाक साफ है और ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर, तो इनको जो है सीधे तौर पर इस मामले को, क्योंकि ये सेंटर का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है, तो सीधे सीधे तौर पर इसको सीबीआई को देना चाहिए था, ताकि जो है ऐसे लोग जो हैं आने वाले समय के लिए लोग ऐसी धांधलियां ना करते, लोगों को सबक होता। और मैं फिर डिमांड कर रहा हूं कि इस मामले को सीबीआई को देकर इस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करके जो कानून की कानूनी धारा मंत्रिया कानून के दायरे में रहकर, जो नियमों के दायरे में रहकर जो मामला बनता है, मामला दर्ज होना चाहिए। और ये जो तीन महीने की सैलरी देकर इनको घर जो है मेहमान की तरह विदा किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। ऐसे लोग जो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको सरकार सम्मानजनक तरीके से घर भेज रही है, हम इसके खिलाफ हैं। और हमें इस बात का रोष हमें ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को, एनआईटी में आप जाके पूछिए, आप हमीरपुर शहर में पूछिए, आप हिमाचल प्रदेश में पूछिए, आप हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में पूछिए, जो एनआईटी से यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो पढ़ के गए हैं, आज एनआईटी जो है कहाँ पहुँच गया। ये पहले 13वें पायदान पे था, आज 98 पायदान पे पहुंच गया। फैकल्टी जो है वो बिल्कुल क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं रखी गई। ये सब जो भर्तियां हुई से एनआईटी का जो है वंटादार हो गया। लोग परेशान हैं,
NIT से इंस्टीट्यूशन से जो लोग आज लाखों रुपए खर्च करके लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका जो है कैरियर है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि धुंधला है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को बाइज्जत मान सम्मान के साथ विदा करने के बजाय उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था।